तमाम दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में और इस मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है और इससे जुड़ा हुआ है एक बहुत ही खास जगह का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, केला वाला नाम आप सबने सुना होगा, वहाँ पर दोज का बहुत बड़ा मेला भरता है। बहुत सारे हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े स्कूल भी वहाँ पर हैं और हमने भी ये नाम बहुत पहले से सुनता है, बहुत सारे लोग सुनते आए होंगे, लेकिन उसका भी एक अनूठा इतिहास है। और आपको बता दूँ, जो केला वाला है वो इससे जस्ट बिल्कुल दूर बना हुआ है और ये मंदिर बिल्कुल गाँव के बाहर की तरफ बना हुआ है, तो यहाँ पर लेकिन इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन हमें पता चला है। तो हम चाहते हैं कि ये जानकारी, ये इतिहास हमारे जो युवा हैं उन सबको पता चले हमारे साथ साथ। तो आज हम यहाँ के जो कुछ संभ्रांत और बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके पास आए हैं और जानते हैं इस इतिहास को। तो सबसे पहले नाम बताइए अपना। रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, ये बताइए ये जो मंदिर है कितना प्राचीन होगा यहाँ? ये हमारी याद से तो बहुत पहला, हमारे पिताजी की याद से ही पहला है। अच्छा, आपके पिताजी की भी याद से बहुत पहला। पहले यहाँ एक चबूतरा था, फिर ये मंदिर बना, विस्तार तो हुआ लेकिन बहुत पुराना मंदिर है ये। इसकी मान्यता बहुत है, बहुत बहुत दूर के यहाँ प्रसाद चढ़ाना आते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा अब तो सभी देवी देवताओं के मंदिर है यहाँ पे, शंकर जी का मुख्य रूप से किस चीज़ का मंदिर? मुख्य रूप से यहाँ पे था दुर्गा माता मंदिर और शिवलिंग। अच्छा, शिवलिंग यहाँ पर स्वयंभू है या स्थापित है? स्वयंभू हमारे सामने तो लगा नहीं, पहला ही है। पहला ही है। तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता ये है, अगर किसी का पशु दूध नहीं देता था तो इसकी फेरी लगाते थे 8ों के दिन और वो श्योर दूध देता था। ये मेरा खुद की विभक्ति ही है। अच्छा, रामानंद जी ये बताइए कि ये जो स्थान है ये बूढ़े बाबू के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है बूढ़े बाबू, क्या आप जानते हैं? इसका तो प्रसाद चढ़ता है बाकायदा। अच्छा। और या बाकी तो ये ना मालूम होगा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं जी, आपको बस इतना ही पता है कि यहाँ कुल के अंतर्गत आता है। तो इसका नाम केला वाले क्यों पड़ा? बस ये तो जानकारी मुझे है नहीं। स्थान के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ खास बात है इसमें? बस खास क्या, यही प्रसाद चढ़ता बूढ़ा बाबा मशहूर। अच्छा, कब से चली आ रही है परंपरा प्रसाद चढ़ाने की? बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों साल से यहीं पे प्रसाद चढ़ता है। तो देखिए, बुजुर्ग हमारे साथ है और मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इतिहास होता है, लेकिन इतिहास तभी उजागर होता है जब उसे कोई कंघाले, उसे ढूंढे। तो आज हम भी इसी इतिहास को ढूंढने के लिए निकले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेखर सिंह है, मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ। तो आप विद्यालय चलाते हैं, तो ये बताइए सर कि ये जो स्थान है ये केला वाला कहा जाता है, तो इसका, इसे केला वाला क्यों कहा जाता है, क्या इससे कोई इतिहास जुड़ा हुआ है? जी, ये जो केला वाला है, एक हमारी देवी है जो गाँव के पश्चिम में है, वो हमारी इष्ट देवी है, उसका नाम है केला देवी। और ये 1191-92 में जो तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ था उससे 12 साल पहले, यानी कि 1180 ईस्वी के आसपास जादौन रियासत हुआ करती थी। तो जहाँ जहाँ भी जादौन रियासतें हैं वहाँ पर केला देवी के मंदिर हैं, और जहाँ भी केला देवी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, दुर्गा देवी का मंदिर, जैसा कि वैष्णो देवी, आप सभी जानते हैं वैष्णो माता का मंदिर है, तो वैष्णो माता का मंदिर जहाँ भी होगा वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर जरूर होगा। तो ये बूढ़े बाबा का मंदिर है, प्राचीन काल में इसका नाम भैरव बाबा का मंदिर हुआ करता था। बीच में हमारी परिस्थितियाँ बदलती रही, हम गुलाम हो गए, जो हमारी पूजा पद्धति थी वो प्रभावित हुई और हमारा इसका नाम भी बदल गया, अब भैरव बाबा की जगह लोग बूढ़ा बाबा कहने लगे। इसका एक ये भी है कि गांव में कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, कोई प्राण प्रतिष्ठा हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसका एक नियम है कि देवी मंदिर पर शोभा यात्रा पहुँचाने के लिए भैरव बाबा के मंदिर से शुरू होती है। मतलब देवी यात्रा तभी कामयाब होगी जब अगर भैरव बाबा की यात्रा की जाएगी, चाहे वो यात्रा पहले कर ली जाए या बाद में कर ली जाए। इसीलिए आज भी लोग ये तो नहीं जानते कि क्यों, लेकिन ये पता है कि हमारे बुजुर्ग कह के चले गए कि कोई भी शोभा यात्रा या कोई भी देवी कार्य करना है, कोई कलश यात्रा करनी है, तो शोभा यात्रा यहीं से शुरू करेंगे, बाबा के मंदिर से ही शुरू होगी, यहाँ से शुरू होके और वहाँ माता के मंदिर पे खत्म। हाँ, जी वहीं खत्म होगी। तो जो आपने भी बताया कि केला वाला माता, केला माता के नाम से वहाँ मंदिर है, तो क्या ऐसा है कि उसी के नाम से ये इस जगह का नाम पड़ा हुआ है? जी, उसी के नाम से पड़ा हुआ है। और ये केला वाला जो स्थान है, केला देवी जो, वो हमारी जादौन रियासत की इष्ट देवी है। इसी तरह का एक मंदिर जिला खतौली में पड़ता है, वहाँ भी एक मंदिर है केला देवी का, और उसके आसपास भी भैरव बाबा का मंदिर ही है, और इधर उत्तराखंड के आसपास भी कहीं इस प्रकार के मंदिर होने के प्रमाण पाए जाते हैं। है ये वहीं पर जहाँ पर जादौन रियासत की ही कुल देवी रही है। ये 1180 के आसपास हम जो आकर हमने रियासत बनाई थी, ये मंडावर और ये सहबाजपुर या मोंडिया आसपास जो रवाराजपूत बसते थे, इसकी एक ये भी है कि जैसा आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी भी बाद में आएगी। तो मैं एक दिन एक पंडित जी के पास बैठा था, एक औरत एक मुहूर्त निकलवाने के लिए आई, बोली क्या जी हमें कोई रिंग सेरेमनी करनी हो, कोई मुहूर्त बता दो। तो पंडित जी बोले भाई देव उठनी एकादशी से पहले कोई मुहूर्त नहीं है, किंतु
दोहेज के दो तीन दिन, दोहेज और दोहेज से अगला दिन एक दिन पहला, उसमें आप कर सकते हो। तो मैं वहाँ जिज्ञासा बस बैठा था, मैंने पूछा जी जब देव का उठा उठनी है खासी पहले कोई मुहूर्त नहीं है तो आपने दोहेज के आसपास का क्यों बताया? तो पंडित जी के शब्द दिए थे कि ये जो मुहूर्त है तीन दिन के, ये रवा राजपूतों के मुहूर्त था। रवा राजपूतों ने तीन मुहूर्त बनाए थे, यानी कि जो हमारे विवाह होते थे तो जो देखने की परंपरा थी वो इन तीन दिन में कर लेते थे बिना मुहूर्त के भी। तो हमारे राजपूत रियासत की वजह से ये तीन दिन भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की श्रेणी में आ गई है। दोज का दिन, दोज से पहले का दिन और दोज से बाद का दिन। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, ये जानकारी शायद किसी को नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और मेरे मन में आया कि जैसे अभी आपने बताया कि इन तीन दिन को देखने का बना लिया था, तो क्या यही कारण है? ऐसा कहा जाता है जब ये पहले दोज का मेला भरता था तो यहाँ पे जो देखना दिखाना होता था यहाँ पर रिश्ते भी जुड़ा करते थे। जी, ये मेला था वो एक पुरानी कहावत है कि मेला मेल का या धका पेल का। तो मेल का मतलब यही था, पहले जैसा हम पश्चिमी सभ्यता प्रभावी है, लड़के लड़की की बात करा देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले मेले में आए लड़के आए लड़के आई तो बता देते भाई वो देख लो सामने लड़की है वो सामने लड़का है, और 90% जो वैवाहिक गठबंधन होते थे वो इन तीन दिन में ही होते थे। जी, तो देखिए ऐसा इतिहास इस मेले का है। आज हम भले ही पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित होकर अब आपस में देखा दिखाई इस तरह होने लगी है कि घर पर जाते हैं और अगर कहीं से मना होती है तो काफ़ी बेइज्जती का सामना दोनों पक्षों करना पड़ता है, लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग बड़े ही समझदार थे, इस तरह के मेले के कार्यक्रम में ही इस तरह के कार्यक्रम हो जाते थे और किसी को भी पता नहीं चलता था और 90% रिश्ते जैसा कि अभी शेखर जी ने बताया तो यहीं जुड़ जाते थे। वाला हाँ, तो मेरा जो मेले में दर्शक हैं उनसे एक निवेदन है, वो सब श्रद्धालु आएंगे भक्त आएंगे तो यहाँ भैरव बाबा का आशीर्वाद लेंगे, तो अगर वो भैरव बाबा के आशीर्वाद लेने के साथ साथ केला देवी के मंदिर के भी दर्शन करें तो मैं मानता हूँ जो भी उनकी मनोकामना होगी वो 100% पूरी होगी। यहाँ की जो हमारी मान्यता है, मान्यता ये है कि फोड़े फुंसी अगर निकलते हैं, जैसे पहले बच्चों को निकलते थे छोटे जो वो होते हैं पुड़े टाइप जिन्हें उमड़ घुमड़ कहा जाता था, वो बनाकर हम यहाँ चढ़ा देते थे और फोड़े फुंसी नहीं निकलते थे। तो ये मन मांगी जाती थी कि बूढ़े बाबा हमारे बच्चों को ना निकलें, हम अगले साल प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अमूमन ऐसा पाया जाता था, जो नहीं चढ़ाते थे वो इसके शिकार हो जाते थे। तो ऐसी मान्यता है। तो यहाँ अगर आप प्रसाद चढ़ाने और आ रहे हो तो मेरा निवेदन है कि आपने जो भी मन्नत मांगी, जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो, उसके लिए मेरा निवेदन है कि गाँव के पश्चिम जो केला देवी का मंदिर जिसे आज हम देवी का मंदिर कहते हैं वहाँ की अगर यात्रा करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी, 100% पूर्ण। जी, और एक मान्यता और जैसा यहाँ चली आ रही है कि कान खोपड़ी चढ़ाने की आपने देखी होगी, जो सुर कान खोपड़ी चढ़ाने की मान्यता है, उसका क्या रीज़न है? उसका कारण ये है कि हम बीच में मुगलों के गुलाम रहे बहुत समय, ये सभी जानते हैं, इसमें बताने का कोई विषय नहीं है। तो जो हमारे धार्मिक स्थल थे वो या तो तोड़ दिए गए थे या उन पर जाना बंद करा दिया गया था, तो ये स्थल भी तोड़ने कगार पर थे। तो ऐसा किया गया था कि जितने भी ये बूढ़े बाबा के मंदिर हैं, भैरव बाबा के मंदिर हैं, उनके आसपास तालाब पाए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता लोगों की कि ये ब्रह्मा जी का ही एक रूप है। तो ब्रह्मा जी ना हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सूअर को वरा रूप धारण करके और आसपास के तालाब में घुसकर चारों तरफ कीचड़ फैला दिया था, जिससे जो मुगल आता था ये वो मंदिर के आसपास ना आए और जो हमारा धार्मिक स्थल है वो सुरक्षित रहे। इसीलिए आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि जो हमारा वाल्मीकि समाज है वो सूर्य लाता है और कान खोपड़ी चढ़ाया जाता है और उसे भी एक हिस्सा माना जाता है कि ये भी हमारी मनोकामना पूरी हो, इसीलिए सूर कौन कान खोपड़ी चढ़ाई जाती है। तो देखिए कान खोपड़ी यहाँ पर चढ़ाई जाती है, हमने पहले भी वीडियो में जाने का प्रयास किया था लेकिन हमें ये जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो आज शेखर जी से बहुत ही स्टीक और स्पष्ट जानकारी हमें इस स्थान की मिली, इस मेले की मिली और यहाँ की मान्यताओं की मिली। चाहे अब हर चीज़, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी हो गया तो वो चाहता है कि मनोकामना पूर्ण हो तो तभी वो कोई भी कार्य करता है, लेकिन ये जो सारी हमारी मान्यताएं परंपराएं बनी हुई हैं इनका कोई ना कोई कारण रहा है, जिसमें ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं, सांस्कृतिक कारण भी रहे हैं। तो आज हमने आपको ये जानकारी दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप पहले भी इस जानकारी के बारे में जानते थे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ी सी